अस्सलामुअलैकुम, जय हिंद, जय मुंबई, जय महाराष्ट्र। चलो भाई, जल्द से जल्द लाइव आ जाओ, सबको इनवाइट करो, जल्द से जल्द लाइव आ जाओ, सबको इनवाइट करो। आपकी बहन जल्दी लाइव नहीं आती। आप सब लोगों का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। वालेकुम अस्सलाम सैयद करीम साहब, आलम सुफा सैद, ओके वालेकुम अस्सलाम जावेद भाई, वालेकुम अस्सलाम सैयद इमरान, वालेकुम अस्सलाम। आप सब लोगों को मेरा सलाम, मेरे सलाम का जवाब भी दें, और आप सब लोगों के सलामों का जवाब एक साथ, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। मेरा सीधा हाथ है, आप लोग ये नहीं कहना कि उल्टे हाथ से मैं सलाम कर रही हूँ। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूँ, बहुत खुशी होती है आप लोगों से मैं दो बातें करके चली जाती हूँ, बहुत खुशी होती है। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे लिए आप लोगों ने बहुत सी दुआएं मांगी है, और अल्लाह ताला ने मुझे अच्छी शिफा दी है, लंबी उम्र दी है, और अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है मैं आप सब लोगों का हमेशा साथ दूँ। जल्द से जल्द आप लोग सबको टैग करें, जबरदस्त जबरदस्त टॉपिक पे बात होगी। सबसे पहले मुझे ये बताया हाथ उठा के मुंबई कर कौन है, हमारी मुंबई से मुंबई कर कौन है भाई, जल्द से जल्द बोलो। जी हाँ, मैं हूँ मुंबई कर। जय मुंबई, जय महाराष्ट्र, जय मुंबई, जय महाराष्ट्र, और जय मुंबई पुलिस, जय महाराष्ट्र पुलिस, जय शिवसेना, जय आदित्य ठाकरे जी, मैं राज ठाकरे जी का भी नाम लूँगी, संजय रावत जी का भी नाम लूँगी। आप सब लोगों को भी मैं कहती हूँ, जिस स्टेट में रहते हैं, जो आपकी जन्मभूमि है, जो आपकी कर्म भूमि है, उसको सलाम करें। उसके लिए एक अल्फाज भी आप बुरा नहीं सुने, वरना अगर हम ऐसा करते हैं तो हमसे बड़ा हराम खोर कोई नहीं। आप कहेंगे कि मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ। जी हाँ, हमारी भाषा में यानी आमची मुंबई आमची भाषा मध्ये आम्ही बोलतात हराम खोर। कोणाला हराम खोर? म्हणजे जिस थाली में खाए उसी में छेद किए। हराम खोर म्हणजे बेईमान, जो हम उर्दू में कहते हैं बेईमान। हराम खोर म्हणजे, आता तुम्ही सांगा मला, एक शब्द हो जाए मैं हराम खोर बोलूंगी, आप समझ जाना। मैं हराम खोर बोलूंगी, आप समझ जाना, क्योंकि 99% बॉलीवुड में ड्रग्स एडिक्ट रहते हैं, खाली 1% जो है जिनको बीजेपी की टिकट का ऑफर आ गया है, वो मैडम जिन्होंने पता नहीं कैसी फिल्में बनाई, पता नहीं किस किस के साथ कौन से रिश्ते रखे, हाँ वो हमारे बॉलीवुड को, हमारे मुंबई के एक नामचीन बॉलीवुड को कहती है कि 99% बॉलीवुड के लोग ड्रग्स एडिक्ट है। तो सारे बॉलीवुड वाले जोर से बोलो हराम खोर। क्यों? बॉलीवुड में खाया, बॉलीवुड में पिया, बॉलीवुड में फैशन के जलवे, ये जलवा फैशन का है, ये जलवा जलवे दिखाए, उसके बाद बॉलीवुड में 99% लोग क्या है ड्रग्स एडिक्ट है। हाँ, बहुत गंदे लोग है ना बॉलीवुड वाले। यही एक सती सावित्री है, इनके एक से एक फोटो
जो सिर्फ इनकी बॉडी पे दो पार्ट पे पांच इंच का साइज का बॉडी ढका हुआ है, बाकी यानी अगर सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं तो 1% की बॉडी ढक कर 99% की बॉडी खुली रखने वाली महिला हमें कहती है कि हमारा महाराष्ट्र मुंबई एक पोक है, POK पोक क्या है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ओके, तो मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, तो हमारे महाराष्ट्र में मुंबई में तो आमची मुंबई में हमारे पास क्यों आते हैं, सीधा सा सवाल है मेरा, जब हमारी मुंबई पॉक है तो क्यों आते हैं। सबसे पहली बात तो मैं सल्यूट करती हूँ संजय रावत साहब को, सही बात है, हम किसी को छेड़ते नहीं और किसी ने हमें छेड़ा तो हम किसी को छोड़ते नहीं। जिस तरीके से कंगना रनावत ने ये कहा है कि बॉलीवुड वाले 99% के ड्रग्स एडिक्ट हैं, हमने कुछ नहीं कहा, तू बॉलीवुड को बोल, तू इसको बोल। जब महाराष्ट्र में BJP की सरकार थी उस वक्त कंगना रनावत के मुंह पे ताला लगा हुआ था यहाँ से यहाँ तक, यानी उसको ये भी याद नहीं था कि वो ये देखे कि भाजपा की सरकार है तो उसे हमारा मुंबई अमेरिका लगता था, अमेरिका, UK, USA। अब हमारी सरकार शिवसेना की और कांग्रेस की है तो हमारा मुंबई, हमारा महाराष्ट्र पोक हो गया है। तो मैडम पोक हो गया है तो अभी आप सोक हो जाओ, आप महाराष्ट्र में 9 सितंबर को आ रहे हैं, स्वागत होगा आपका, आइए, वेलकम टू मुंबई, आमची मुंबई, मुंबई नगरी। आप सबसे एक बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ, संजय रावत साहब ने जो भी कहा है 101% परफेक्ट वर्ड है, हराम खोर। यानी मैंने आप सबसे कहा, अगर जिसको इस बात पर खून ना खोले कि मुंबई पोक है तो वो हो गया मेरी नज़र में हराम खोर, समझ में आया, मेरी नज़र में हो गया हराम खोर। इट्स अ सिंपल लैंग्वेज, इट्स नॉट अ गाली, इट्स नॉट अ बैड वर्ड, इट्स नॉट अ लाइक भोकू भोकू अपना गो स्वामी करता है भोकू भोकू, वैसे नहीं हमारे कुछ बैड वर्ड है जिस पे ये लोग बात कर रहे हैं। अरे तुम्हारा माहितीच नहीं है कशाला तुम्ही नुसता बडबड बडबड करता, काय झालेलं आहे तुम्हाला, आराम खोरच्या मिनिंग काय आहे तुम्हाला माहितीच नाही आहे, तर कशाला तुम्ही किर 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 बजा रहे हो भोंपुकी तरह। दूसरी बात, शिवसेना के साथ पूरा महाराष्ट्र है, पूरा मुंबई है, और जो शिवसेना के साथ इस मुद्दे पे पॉक के मुद्दे पे नहीं खड़ा होगा वो चाहे मेरी कम्युनिटी का क्यों ना हो, और वो मुंबई का होगा और वो मेरी कम्युनिटी का क्यों ना हो, मैं उसे भी हराम खोर का किताब दूंगी, यानी जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। और उर्दू में बेईमान इंसान, जो बेईमान होता है ना, जो नाम कमाया, शोहरत कमाया, पैसा कमाया, फैशन के जलवे दिखाया, सब कुछ किया, मुंबई की हमारी नगरी में आकर तुम सब कुछ करते हो और हमें फिर बाद में गाली देते हो, कौन बोला भाई कौन। अगर यही चीज मैं आपके स्टेट में आके फॉर एग्जाम्पल मैं आके UP में आपको आकर बोल आपके पास नाम कमाऊं, शोहरत कमाऊं, हैदराबाद में आऊं, नाम कमाऊं, शोहरत कमाऊं, बेंगलोर में आऊं, और फिर मैं आपको बोलूं कि ये पोक है तो आपको कैसा लगेगा, क्यों भाई, ये सेंसिटिव मैटर है, चाइना हो या पाकिस्तान हो, इसको बॉम्बे को, महाराष्ट्र को, मुंबई को, हमारी आमची मुंबई नगरी को अगर कोई पॉक कहता है तो उसके ऊपर हमारा स्टेट द्रोह का, राज्य द्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। और दूसरी बात, मुझे समझ में नहीं आया, बाकी सब सही जा रहा था लेकिन मैं एक वीडियो देख रही हूँ, शायद आप लोग सुन सको तो अच्छे से। मुंबई में घुसकर मुंबई पुलिस से सवाल उठाता हूँ, क्या कर लोगे संजय राउत, अब कौन हो तुम, ऐ संजय राउत मुंबई तुम्हारी है, मुंबई तुम्हारी है संजय राउत।
मुंबई मेरी कर्म भूमि है, मुंबई मेरी भी है। यस, मुंबई हमारी है, मुंबई शिवसेना की है, मुंबई उद्धव ठाकरे की है, मुंबई बाला साहेब ठाकरे की है, मुंबई आदित्य ठाकरे की है, मुंबई संजय रावत की है, मुंबई राज ठाकरे की है, मुंबई यास्मीन अरोरा मुंशी की है, मुंबई हर एक मुंबईकर की है। यहाँ पे हमारे पास आकर अपना चैनल चलाता है रिपब्लिक टीवी और ये डॉगी की तरह भग 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 कर रहा है, तो सुन ले चैनल पे बैठ के तू चिल्ला, मैं मेरे चैनल पे बैठ के चिल्लाती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब 8 दिन में बताएंगे कि तुझे पता चलेगा कि ये मुंबई किसकी है, ये मुंबई हमारी है, इस मुंबई के लिए हमने जद्दोजहद की है, ये महाराष्ट्र है, इस मुंबई में ये पूरे हिंदुस्तान का हार्ट है, इस मुंबई में हमारे 36 स्टेट्स के लोग आकर रहते हैं, इस मुंबई में पैसा कमाते हैं, इस मुंबई में आकर अपनी जिंदगी बसर करते हैं, इस मुंबई में आके मुंबई नगरी को घान करते हैं, इस मुंबई में आके कचरा करते हैं, इस मुंबई में आके झोपड़पट्टी बनाते हैं, इस मुंबई में आकर और तू इस तरीके से एक डॉगी की तरह भौंकेगा तो जाके तेरे सेठ के तलवे चाट। और अमित शाह को कंगना रनावत जी शुक्रिया कहती है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ अमित शाह जी, आपको अगर सिक्योरिटी ही देनी है वाई प्लस की, तो आप हिंदुस्तान की उन बेटियों को दो, उन छोटी छोटी बेटियों को सिक्योरिटी दो जिसके रेप होते हैं आए दिन। यहाँ पे कई आंकड़े सामने आते हैं, वो जो सामने आते हैं वो 1% भी आंकड़ा नहीं है, लेकिन वो आंकड़े सामने नहीं आते रेप के जो हमारे सामने नहीं लाए जाते हैं, ये कहकर के इस आंकड़ों को रोका जाता है कि तुम इस आंकड़े इसके लिए तुम जाओगी मुकदमा करोगी, बच्ची की बदनामी होगी, बच्ची बड़ी होगी बच्ची से शादी नहीं होगी, बच्ची के ऊपर हुआ तो बच्ची से कोई लड़का शादी नहीं करेगा। इस गुमनामी में जितनी लड़कियों का रेप होता है, अमित शाह जी अगर आप एक लड़की के बाप होते ना, तो ऐसी कंगना रनौत को ये वाई प्लस सिक्योरिटी देने से अच्छा आप महिलाओं को सिक्योरिटी देते, मैं सलूट करती। अरे जो लड़की किसी के स्टेट को पोक कहती है उसको आप लोग आज वाई प्लस की सिक्योरिटी देते हो, और इसका सीधा सीधा साफ साफ यही मतलब है कि आपको जलन बर्दाश्त नहीं हो रही है, बीजेपी को जलन बर्दाश्त नहीं हो रही है, बीजेपी को पता चल रहा है कि किस तरीके से हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट गिराई जाए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट गिरने वाली नहीं है, सुन लो और लिख के रख लो। उद्धव ठाकरे जी ने, शिवसेना ने जितना आपको मदद किया था पिछली बार सरकार बनाने में, क्या मिला उद्धव ठाकरे को और महाराष्ट्र और मुंबई को? क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला, ठेंगा मिला था, ठेंगा। इसके लिए इस बार उद्धव ठाकरे ने आप लोगों को जो ठेंगा दिखाया था, आप लोग आज उसी उद्धव ठाकरे को, उसी बाला साहेब ठाकरे के बेटे को आप लोग उसकी सरकार को गिराना चाहते हैं, लेकिन नहीं, मुंबई का हर मुसलमान ठाकरे जी के साथ है। और मैं ये भी कहती हूँ कि हम राज ठाकरे के भी साथ हैं, क्योंकि मुद्दे हमारे स्टेट से बनते हैं, हमारे सिटी से है, हमें मुद्दे आपकी तरह झूठे बोलकर घुमाए नहीं जाते, यहाँ पे मुद्दों को लेकर हमारे साथ भी सही तरीके से व्यवहार होता है। हमें ये जाहिर नहीं किया आज तक के उद्धव ठाकरे ने या बाला साहेब ठाकरे ने या राज ठाकरे ने कि तुम मुसलमान हो और तुम ऐसे हो, लेकिन 5 साल की बीजेपी की सरकार ने मुंबई और महाराष्ट्र में हर एक मुसलमान को खून के आंसू रुलाए हैं। और ये बात मैं सीना तान के कहती हूँ, मैं आप लोगों को मैं गवाह हूँ कि 5 साल किस तरीके से बीजेपी ने रुलाया है हमारे महाराष्ट्र, हर एक महाराष्ट्रन को। हम महाराष्ट्रन कहलाते हैं, हमारा इससे रिलीजन से कोई नाता नहीं है कि हम क्या हैं, हम महाराष्ट्रन इसके लिए कहलाते हैं क्योंकि हम महाराष्ट्र में रहते हैं और हम आमची मुंबई और मुंबई नगरी को सलाम करते हैं, सलूट करते हैं। और कंगना रनौत, अगर इसी तरीके से तुम किसी को भी गाली दोगी तो गाली सुनने की भी आपको औकात रखनी होगी। और
ये जो अबला नारी का पत्ता फिकवा रही हो ना आपके दोस्तों से कि एक औरत को गाली दी, तो एक औरत से मैं सवाल करना चाहती हूँ। आप पूछती हो कि महाराष्ट्र किसी के बाप का नहीं है, तो क्या महाराष्ट्र और मुंबई आपके बाप का है? आपके बाप ने आपको हक दिया है कि आप हमारी मुंबई को पोक कहें, हमारे महाराष्ट्र को पोक कहें। हमारी मुंबई पुलिस को आप कहती हैं कि आप मुंबई पुलिस की कोई कार्य बराबर नहीं है। क्यों, क्या देखा आपने मुंबई पुलिस के कार्य? वेलकम टू मुंबई 9th September, वेलकम टू मुंबई। मैं अगेन कहती हूँ और सबसे पहले म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से 14 दिन की क्वारंटाइन। मैडम आप आ तो रही हैं आपकी मर्जी से, लेकिन इंशाल्लाह जाएंगी मुंबई कर की मर्जी से। आपसे हमें नफरत नहीं है, आपने अपने अल्फाजों को बहुत बुरी तरीके से हमारे मुंबई कर के मुंह पर तमाच मारी। आपने मुंबई कर को बताया कि देखो मैं कुछ भी बोलूंगी और तुम्हें सुनना पड़ेगा, और ये तमाचे का जब हमने आपको रिप्लाई दिया डबल धमाके का तमाचा मार के, तो आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। याद रखना दोस्तों, मैं हरामखोर कहूंगी और तुम समझ लेना कंगना रनावत कहा है मैंने। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय मुंबई। मुंबई में आना है मुंबई के हिसाब से रहना, मुंबई में आना मुंबई की माटी को माथे पे लगाना, माफी मांगना, जब जाके सारे मुंबई कर कब हमारा गुस्सा ठंडा होगा। और संजय रावत कोई माफी नहीं मांगेंगे, और इंशाअल्लाह सारा महाराष्ट्र, सारा मुंबई ठाकरे जी के साथ है, उद्धव जी के साथ है, कांग्रेस और शिवसेना की गवर्नमेंट के साथ है। बेस्ट ऑफ लक, आपकी गवर्नमेंट गिराने की कोशिश हो रही है, हम आपकी गवर्नमेंट गिरने नहीं देंगे। जिस तरीके से अगर हमारी मुंबई और हमारी महाराष्ट्र को किसी ने भी टारगेट किया, तो वो हमारी नज़र में, हमारी भाषा में, हमारी मराठी भाषा में हराम खोर कहलाएगा। यानी जिस थाली में खाते हो उसी में छेद।